नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की अनमोल कहानियों में से एक कहानी सौत। जब रजिया के दो तीन बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आँखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी। रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मरमर कर बनाया था, उसे सहज ही में थोड़ी ना छोड़ देगी। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उससे एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में दो साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं, तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है, तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसा रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर बाद वह रजिया को जाकर मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है, अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने भी कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, दो चार दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती तो हो वह कितनी घमंडिन है, वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा ना थी। वह अब पहली किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास ना आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसीलिए तो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी तो नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी, या तो मैं खुद मर जाऊँगा या तुझे मार डालूँगा, पर तुझे अलग ना होने दूँगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई? नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ ना लिया,
जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने भी सोचा कि इस तरह चोरों की भांति वह जाना तो नहीं चाहती थी। वह दासी को और उसके पति को और सारे गांव को दिखाना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज़ लेकर नहीं जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा, रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया, क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा नहीं थी कि वह यूँ चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गाँव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा, अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है, तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लग कर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी, ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया, रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से न छिपा था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई, जो एक लेकर दो काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का पारावार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है, रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज़ दो दो रोटियां भी खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं, वे मनुष्य नहीं बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर उस पर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं, यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गाँव की चौधराइन है, उसकी बुद्धि जो पहले नित आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया जब घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंगन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है रामू तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे, दसिया के लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आती, सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन है, यूँ कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा, लेकिन अंदर उसका जी न लगा, वह एक क्षण में फिर बाहर आई, शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरा पश्चिम जा जाकर देखा, वह कहीं ना मिला, तब रजिया द्वार की चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे, उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था, अब वह जलन ना थी,
समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग नहीं, दया के योग थी। उसने सोचा, रामू को दसलंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था, दसलंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा, तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी ऐसी बात ना थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा, किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता, दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसन ने आग न मांगी, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आँखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है, लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा, दसलंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा। दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा वह आ तो रहा है, हाँ आ रहा है, कुछ घबराया सा जान पड़ता है, कौन आदमी है, इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं, दो चार नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है ना तुम्हें, अच्छा तो घर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती कर रही हैं, तुम्हें कुछ रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, पहले तो चकराया फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका। बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं, दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है, रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई, 10 साल हो गए, वह कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुँह है जो कुछ कहे, चोरी करने तो जा नहीं रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ, दसिया नाक से कोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली कांपती झिझकती क्षमादान के लिए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएँ ठाएँ शुरू हुई, खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में तो कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे नहीं थे, अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी भी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करा रहा था, और अब दशा वह हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ, अब भी बुलाऊँ तो दौड़ी आएगी।
लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता, और कोई लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा, मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे। 10 रुपए से कम का खर्च ना था, यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई, ऐसे कीमती भारी गहने भी नहीं थे। किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 रुपए मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी यह बेड़ा कैसे पार लागे, गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलावें, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी, पूछा क्या है, क्या सलाह कर रहे हो, अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है। हाँ उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे, इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ, मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन, वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर, इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी, मैं वहाँ भी देखूँगी और यहाँ भी देखूँगी। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है, दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं, गाय तुम जो छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया, मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी, वहाँ क्या रखा है। लाश उठी, रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपए खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आँच में निकल आए, बिलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं, रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वो सौत नहीं बेटी समझती है, पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है, इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी, अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना, तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तो अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ, वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी, जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो, अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है, मेरा आदमी मर गया तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जी जी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती, घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में तो मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े, सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला।
मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। तो ये थी कहानी दोस्तों। इसी तरह की और भी रोचक अनूठी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।